नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। दोस्तों खुशामदीद, मैं हूं मदर खान और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। हिंदुस्तान में क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है। या छोटी सी कोई टॉपिक दे दो, पूरा का पूरा तैयार करके दे देंगे, गाना बना देंगे बढ़िया। हरियाणा में एक भाई साहब हैं जो सिंगर हैं और वो चुटकियों में गाना बना देते हैं। इधर हो तो गाना बना देंगे, उधर हो तो गाना बना देंगे। नाम है रॉकी मित्तल और उन्होंने क्या गाना बनाया था। गाना क्यों बनाया था, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में एक बार एक रिएक्शन दे दिया था आंख मारने का। अब उसको लेकर उन्होंने क्या गाना बनाया था वो मैं आपको सुनाता हूं। सोनिया का बच्चा अकल का कच्चा संसद में आंख मारे, फुकरा है राहुल गांधी यारो करता गंदे इशारे, पप्पू है ये पाखंडी है, ये ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये तो मिक्स वैरायटी है यारो, छोटा भीम और मिस्टर बीन की इसने लगाई वार्ड, सोनिया का बच्चा संसद में आंख मारे। ये वो गाना है जिसमें रॉकी मित्तल ने माँ बेटे का नाम लेकर गाना बना दिया था और ना जाने कितने गाने इसी तरह के रॉकी मित्तल बना चुके हैं। तो ये क्रिएटिविटी उनके माइंड में है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कल कांग्रेस ने उसी मित्तल को पार्टी में जगह दे दी। वो कहते हैं ना, माफ करने वाला बड़ा होता है शायद, या फिर नफरत पर राहुल गांधी की मोहब्बत भारी पड़ गई। चलिए खैर बात करते हैं। कैथल, जयपाल, रसूलपुर, पूरे देश में सबसे मजबूत कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नजर आ रही है इस बार, क्योंकि हरियाणा में जो है चुनाव वो बहुत करीब है और कांग्रेस पार्टी जो है वो यहां बहुत मजबूत नजर आ रही है। करीब 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा संघर्ष करती नजर आ रही है। फिलहाल हरियाणा की हवा हाथ के साथ नजर आ रही है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बड़ी संख्या में विभिन्न दलों को छोड़कर लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इसी कड़ी में एक चौंकाने वाला नाम भी अब जुड़ गया है। हरियाणा भाजपा के पूर्व पब्लिसिटी अध्यक्ष एवं एक और सुधार कमेटी के पूर्व डायरेक्टर मोदी भक्त रॉकी मित्तल ने कांग्रेस में आस्था जताई है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन दिया है। एक आयोजन में कांग्रेस की तारीफ में अपना गीत रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में लॉन्च किया। उनके गीतों पर लोग नाच रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने रॉकी मित्तल की तारीफ करते हुए कहा कि रॉकी मित्तल ने ब्रांड बीजेपी, ब्रांड मोदी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज उसी ब्रांड बीजेपी की ढोल की पोल खोलने वाले गीतों में दर्द भरे उनके शब्दों ने यह साबित कर दिया है कि नफरत के बाजारों में आखिर में मोहब्बत की जीत होती है। उनके गीतों में एक एक शब्द भाजपा की ढोल की पोल खोल रहे हैं। मुझे विश्वास है केवल कैथल ही नहीं, पूरे हरियाणा और पूरे देश में जो लोग अंधभक्त का लबादा ओढ़े बैठे हैं, जो लोग भाजपा के मायाजाल में फंसे हैं, उन सबको आजाद करवाने का यह काम करेगा। अब मित्तल साहब जब बीजेपी में थे तो कांग्रेस के खिलाफ गाना बना दिया था, अब जब कांग्रेस में आ गए तो बीजेपी को लपेट दिया। राहुल गांधी से माफी मांगते हुए फिर से एक गाना बना दिया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए रॉकी मित्तल ने कहा कि मैंने रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में अपना समर्थन दिया है, रणदीप सुरजेवाला के ऊपर एक गाना भी बनाया है। सुरजेवाला कैथल की डिमांड है, काम करने में सुरजेवाला भाइयों एक ब्रांड है। और राहुल गांधी से माफी मांगते हुए भी उन्होंने गाने में आगे कहा है, यारो अंधा था मैं, अंधभक्ति में ठोकर मैंने खाई, राहुल मेरे भाई मुझे माफ करना, राहुल मेरे भाई नफरत फैलाई हमने तूने मिटाई, मुझे माफ करना मेरे भाई। पत्रकारों ने पूछा आप तो मोदी भक्त थे तो अब क्या हुआ। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रॉकी मित्तल ने कहा कि जब देश को पीएम मोदी की जरूरत थी तब मैंने उनके लिए गीत गाए, आज हरियाणा को कांग्रेस की जरूरत है तो उनके लिए गीत गा रहा हूं। मैं एक कलाकार हूं, मैंने कांग्रेस को अपना खुलकर समर्थन दिया है और यहां भी पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, मैं वहां कार्य करूंगा। उन्होंने बताया कि मैं भाजपा में पब्लिसिटी का अध्यक्ष और एक और सुधार प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था। एक बार मैंने महिलाओं से छेड़खानी के खिलाफ और नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी तो मुझे रोक दिया गया था, इसी बात से मेरी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कुछ काम नहीं कर रही है। जब मेरा प्रदेश ही नहीं बचेगा, मेरा शहर ही नहीं बचेगा, मेरा गांव ही नहीं बचेंगे तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, इसलिए मेरा पूरे हरियाणा में कांग्रेस को पूरा समर्थन है।
तो ये पूरा सीन जो है ये रॉकी मित्तल का है, जो हरियाणवी गाने गाते हैं, और जो लोग इस तरह के गानों में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने रॉकी मित्तल की वो कंट्रोवर्सी सुनी भी होगी, जब उन्होंने सोनिया का बच्चा कच्चा है और संसद में आकमारी इस तरह का गाना बनाया था। तो अब गाना बना दिया कि राहुल भैया मुझे माफ़ करना। तो ये दोनों गाने एक बीजेपी के लिए था और वो कह रहे हैं कि मैं अंधभक्ति में विलीन था, मैंने वो अंधभक्ति छोड़ दिया, और उन्होंने उनके लिए जो है कांग्रेस ने दरवाजे खोल दिए, रेड कार्पेट बिछा दिया, उनको अपनी पार्टी में अंदर ले लिया है। तो वो पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब जो प्रचार करेंगे गानों के जरिए वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसमें कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिलेट टाइम्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।